एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ संजना और आप देख रहे हो इंडियन ग्लैमर। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे किस तरीके से मैं अपने घर में घर बैठे बैठे अपने बालों को सलोन जैसा स्पा करती हूँ, जिससे मेरे बाल एकदम स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी हो जाते हैं। इची स्कैल्प है तो वो भी फ्री हो जाता है एकदम अच्छे तरीके से। आपके बालों का जो लुक है ना, वो कैसे इनहांस कर देता है। तो गाइज, आज की वीडियो में सब करके दिखाने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइज। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को पे क्लिक करो, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके YouTube पेज पे आए। तो गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप भी यही सोचते हो कि आप टाइम टू टाइम हेयर वॉश कर रहे हो, अच्छे से ऑयलिंग भी कर रहे हो, अच्छा डाइट प्लान भी ले रहे हो, बट स्टिल आपके बालों में वो जान नहीं है? आप कितना भी अच्छे से क्यों ना रेडी हो जाओ, पर अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज दिख रहे, आपके स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली हो रही है, डैंड्रफ, इचनिंग जैसे इश्यू आपको फेस करने पड़ रहे ना, तो ट्रस्ट मी, आपके लुक प्रिटी लुक से नॉट सो प्रिटी ऑटोमेटिकली ही बन जाता है। इसलिए अक्सर लोग अपने बालों में स्मूथनिंग, कैरेटिंग कर लेते हैं ताकि हमारे बाल अच्छे लगे। पर अच्छे बाल सिर्फ काफी है? आपको नहीं लगता है कि अगर आपके स्कैल्प हेल्दी हो जाएगी तो आपके रुके सूखे बेजान भी हेल्दी हो जाएंगे? हेल्दी स्कैल्प के लिए है जरूरी हेयर स्पा। अगर आप मंथली एक बार भी हेयर स्पा कराते हो तो आपको 5-6 मंथ में ही यू कैन सी द रिजल्ट। आई नो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सलोन जाए और उसी के साथ हो, और वो काफी ज्यादा कॉस्टली भी होता है और केमिकल्स के वजह से आपके हेयर काफी ज्यादा डैमेज भी हो जाते हैं। मेरे साथ भी यही इश्यू था। बट स्टिल गाइज, आई फाउंड न्यूड एडवांस हेयर स्पा किट। फर्स्ट, ये काफी बजट फ्रेंडली है। सेकेंड, आपको इसको इजीली खुद से यूज कर सकते हो आराम से अपने घर के कंफर्ट जोन में। और थर्ड, ये बस 10 मिनट का काम है। इसके अंदर आपको 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले है हेयर स्कैल्प स्क्रब। इस सबको कैसे यूज करना है, चारों स्टेप आपको फॉलो करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हेयर स्कैल्प स्क्रब को आपको वेट स्कैल्प पर इसको डायरेक्टली अप्लाई करना है एंड देन 3 मिनट तक जेंटली स्कैल्प को मसाज करना है। इससे आपके ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, प्लस स्कैल्प के पोर्स डीपली क्लीन हो जाएंगे। आपको इसे सिर्फ स्कैल्प पे ही लगाना है ताकि आपके स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर सके। Then clean it with lukewarm water properly. Second tip है हेयर स्पा शैम्पू। शैम्पू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। इससे आपके बालों में जितनी भी गंदगी है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। आपको शैम्पू लेना है एंड थोड़ा सा रब करके आपको ऑल ओवर स्कैल्प पे लगाना है और अच्छे से मसाज करनी है ताकि जितनी भी गंदगी है, डर्ट है, वो सब निकल जाए। शैम्पू आपको कभी भी स्कैल्प पे ही ज़्यादातर लगाना है और नीचे वाले लेंथ में जो भी फोम बच जाता है वो अपने आप नीचे वाले हेयर को भी क्लीन कर देता है। तो आपको ज़्यादा शैम्पू भी अपने बालों पे नहीं लगाना होता है, जितनी ज़रूरत है उतना ही शैम्पू आपको आपके स्कैल्प पे लगाना है। अब अच्छे से ऑल ओवर हेयर को मसाज करके आपको लुक वार्म वाटर से हेयर वॉश कर लेना है और जितना भी पानी है उसको सबको निचोड़ लेना है, क्योंकि हमारा थर्ड स्टेप भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा भी बालों को निचोड़ना नहीं है। अब हमारा थर्ड स्टेप है हेयर स्पा कंडीशनर। आपको इसको हैंड में लेके अच्छे से बालों के हेयर लेंथ पे आपको इसे लगाना है, हेयर स्कैल्प पे नहीं लगाना है, सिर्फ लेंथ पे लगाना है और 3 मिनट बाद लुक वार्म वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। लोगों को ना मीथ होता है कि कंडीशनर इज नॉट सो मच नीडेड आफ्टर शैम्पू, तो लेट मी वेरी क्लियर, कंडीशनर क्रिएट्स अ लेयर ऑन योर हेयर विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द डर्ट एंड पॉल्यूशन एंड ऑल्सो योर हेयर लुक्स मोर स्मूथ एंड सिल्की आफ्टर द कंडीशनर। हेयर वॉश करने के बाद आप मेरे बालों की क्वालिटी देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है अभी से ही। तो गाइज, आपको ना आपके ऑल ओवर हेयर को अच्छे से ड्राई कर लो और अच्छे से सुलझा लो। हमारा लास्ट 4th स्टेप है हेयर सीरम। इस हेयर सीरम को आपको हेयर के लेंथ पे लगाना है, स्कैल्प में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो आपको इसको अपने हेयर के लेंथ पे लगाओ जब तक ये कम्प्लीटली ऑब्जर्व नहीं हो जाता। तो गाइज, यू कैन क्लियर सी द डिफरेंस, योर हेयर लुक्स मोर हेल्दी, सिल्की एंड बाउंसी आफ्टर हेयर स्पा, जो आपने खुद घर बैठे सिर्फ 10 मिनट में किया है। तो
तो गाइज इस न्यूड हेयर स्पा किट के अंदर अच्छी बात ये भी है कि यह हार्श केमिकल से फ्री है, पैराबिन सल्फेट फ्री है एंड इजीली अवेलेबल है www.evertin-nude.com पर। आप चाहो तो इसे Amazon या Flipkart से भी बाय कर सकते हो। इसके प्रोडक्ट परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो गाइस इसलिए मैं कहती हूँ हेयर स्पा जरूरी है आपकी स्कैल्प एंड हेयर को हेल्दी रखने के लिए। इस हेयर स्पा किट को यूज करने के बाद मेरा दिन बन जाता है क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील होता है। मेरे हेयर एकदम स्मूथ सिल्की एंड शाइनी हो जाते हैं, इसलिए मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है और कोई भी हेयर फॉल भी नहीं होता है। आप लाइव रिजल्ट देख सकते हो, इसलिए मुझे ये हेयर स्पा किट बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैं आपको इसे रेकमेंड कर रही हूँ। तो गाइज आपका क्या एक्सपीरियंस होगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइज अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। अगर आपको भी चाहिए मेरे जैसे स्मूथ सिल्की शाइनी हेयर तो आप भी इस हेयर स्पा किट को जरूर ट्राई करना और आपका एक्सपीरियंस क्या है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पे क्लिक करो ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके YouTube पेज पे आए। और गाइस मैं ऐसे ही लॉन्ग हेयर एंड ब्यूटी टिप्स के ऊपर वीडियोस बनाते रहती हूँ। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हमें बहुत जल्दी जल्दी अभी 4 लाख की फैमिली भी कंप्लीट करनी है। हमारी गाड़ी बहुत ही ज्यादा धीमी धीमी चल रही है गाइस, तो प्लीज आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकॉन को ऑल पे भी क्लिक जरूर कर देना। तो गाइस मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इस वीडियो को आपको करना है 500 लाइक ताकि मैं आने वाली वीडियो और भी ज्यादा अच्छे से बनाऊं और इंटरेस्टिंग बनाऊं आपके लिए। तो गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।